विकास, और अगर आप मानते हैं कि साइंस थ्योरेटिकल स्किल ज्यादा प्रोसेस स्किल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इजी एक मॉडल, रूम हीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले जान लेते हैं ये इस मॉडल को बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, चाहिए आपको खाली डब्बा, आपको चाहिए एक बल्ब, आपको चाहिए एक बल्ब होल्डर, कुछ टेप इसको चिपकाने के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए होगा हमें, एक बैटरी और एक स्विच, कुछ और चीजें जो आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखी हैं। डिब्बे को कुछ होल करने हैं, तो ये होल किससे होंगे, कटर की सहायता से। कटर चाहिए होगा हमें। डब्बे के अंदर हमें मैंने लगाई है एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल चाहिए और चिपकाने के लिए चाहिए फेविकोल। तो ये चीजों की सहायता हमें जरूरत पड़ने वाली है रूम हीटर बनाने में। मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है इस रूम हीटर को बनाने के लिए। खाली डब्बा, इलेक्ट्रिक बल्ब विद बल्ब होल्डर, मैंने जो यूज किया है 60 वाट का बल्ब यूज किया है। आप अपने हीटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 100 वाट का ज्यादा भाग यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। बैटरी यूज की है, स्विच यूज किया है, एग्जॉस्ट फैन, एल्युमिनियम फॉइल, टेप, डिजाइनर पेपर का अभी तक आपने यूज देखा नहीं होगा इसमें। एक्चुअली वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपका ये प्रोजेक्ट बन चुका है तो इसको और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप इस सजा सकते हैं, जो इस सजाने के बाद ही बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये तो मेरे रो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। फेविकॉल किस लिए, एल्युमिनियम फॉइल लगाने के लिए काम आएगा, और इसके ऊपर जो डिजाइनर पेपर है उसको चिपकाने में काम आने वाला है। कटर, जो इस तरह के कुछ हमने ये होल किए हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ इन होल का पर्पज क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या जरूरत हमें पड़ने वाली है इस मॉडल को बनाने के लिए। इतना सामान हमारे पास आ चुका है, अब शुरू करते हैं प्रोसेस बनाने का। तो करना क्या है, जो हमारे पास खाली डब्बा है, खाली डब्बे में हमें चाहिए एग्जॉस्ट फैन। तो जितना बड़ा हमारा एग्जॉस्ट फैन है उस साइज का एक बॉक्स कट करेंगे हम, जिससे एग्जॉस्ट फैन पूरा टाइट फिट हो जाए। मैंने टेप से चिपका दिया है जिससे ये निकल कर गिर ना जाए। मुझे लगाना है बल्ब, तो बल्ब के होल्डर साइज का मैंने यहाँ होल कट किया है जिससे मेरा बल्ब इसमें फिट हो जाए। बल्ब को होल्डर को फिट करने की कोशिश करता हूँ, कई बल्ब को अलग कर लेते हैं, अंदर से बाहर की तरफ को तार निकालेंगे, और जो हमारा ये जो बाहर निकल रहा है ये हम आ जाए, तो ये बल्ब होल्डर का जो क्लिप है इसको ऊपर टाइट कर देंगे, इससे ये बल्ब होल्डर हिलेगा भी नहीं। अगर आप थोड़ा लूज बैठे तो आप यहाँ कुछ फेविकम लगाकर इसको टाइट कर सकते हैं। बल्ब होल्डर में ये दो तार, पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनको हमें देना 220 वोल्ट, जिससे बल्ब जलेगा। अब अपने बल्ब को फिट कर देते हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल लगाई है मैंने, चारों तरफ जो जगह बची हुई थी। ये एल्युमिनियम फॉइल क्यों लगाई है, आपको पता है ये ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, जो इसकी हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी मैं इसको बिल्कुल इस तरह का कंटेनर बना दूंगा कि इसके अंदर जो भी हीट होगी वो हीट इसके अंदर रहे। एक थर्मस के जब काम करता है, ये इंसुलेटर का काम करेगा और एक रिफ्लेक्टर का काम करेगा। जो भी हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है इस कंटेनर के अंदर, वो सारी हीट इसी के अंदर मैक्सिमाइज रहेगी। करना क्या है, जब हमारा बल्ब होल्डर लग चुका है, एग्जॉस्ट फैन फिट हो चुका है, उसके बाद जो एग्जॉस्ट फैन के दो तार आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बैटरी का कैप में से दो तार आ रहे हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्विच में लगा देने हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। अब जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये फैन आपका चलेगा। अभी इस पहले बंद कर देते हैं इसको, इस चारों साइड पर टेप लगा दोगे आप। अब ये काम कैसे करेगा, अब हम इसको देंगे 220 वोल्ट। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के समझा भी दिया इस कनेक्शन को, जो आपका एग्जॉस्ट फैन है उसके जो तो कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में स्विच है, इधर बैटरी है, नेगेटिव वाले एक तरफ, पॉजिटिव वाले एक तरफ, और तो बल्ब को देना है 220 वोल्ट। इस तरह से जो वो फिट कर दिया है तो आपका रूम हीटर बनके हो चुका है तैयार। अभी काम कैसे करता है, क्योंकि साइंस में केवल चीजों को जोड़ना है तभी साइंस पूरा नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूँ, डब्बा के अंदर लगा एल्युमिनियम फॉइल, पीछे बल्ब होल्डर में मैंने बल्ब फिट किया, एग्जॉस्ट है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो बताना मैं छोड़ दिया, ये कुछ मैंने होल किए हैं इधर उधर, ये होल इसलिए किए हैं जिससे आसानी से बाहर की हवा अंदर आ सके। इसके अंदर अब आप जब इस बल्ब को देंगे 220 वोल्ट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी, हीट प्रोड्यूस होगी, आसपास की हवा गर्म होगी, जो हवा गर्म होगी यहाँ चलेगा एग्जॉस्ट फैन, वो हवा बाहर निकलती रहेगी। जब गर्म हवा बाहर आ रही है, अंदर की जगह खाली हो रही है, उस खाली जगह को लेने के लिए आसपास की हवा जो भी छोटे छोटे होल किए हैं तेजी से अंदर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, तो हवा तेजी से अंदर जाएगी, अंदर फिर बल्ब जल रहा है वो गर्म होगी, यहाँ से हवा फिर बाहर आएगी। तो हमारे कमरे में जो ठंड हो रहा है, जब इससे गर्म हवा बाहर आ रही है,
तो हमारा कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और हमें जो ठंड लग रही थी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो यह इसका काम करने का तरीका, इस रूम हीटर का। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर जो हीट है, हीटिंग इफेक्ट होगा, अंदर की एयर गर्म होने वाली है। जब एयर गर्म होगी, एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकालने वाला है। जब एयर अंदर की बात खाली हो गई, क्योंकि अंदर की एयर बाहर आ चुकी है, उसकी जगह लेने के लिए आसपास के अंदर जा रही है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। भी ध्यान होगा कि सर्दियों में हमारे कमरे में सर्दी अंदर आ रही होती है या हमारे कमरे गर्मी बाहर जा रही होती है। तो फ्रेंड इस बात पर ध्यान दीजिए और जवाब दीजिए इस बात का, इस कि अक्सर सर्दी में होता क्या है। हम सब बोलते हैं सर्दी अंदर आ रही है, साइंस क्या बताता है कि हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो सर्दी तो कम है, लो टेम्परेचर है, फ्लो अंदर कैसे आ सकती है? आपका क्या जवाब है इसका, कि सर्दी अंदर आती है या कमरे की गर्मी बाहर जाती है? जो है आपका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मेरी वीडियो से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। ये मॉडल बनाइए, बच्चों के साथ करके देखिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।